हेलो दोस्तों, नारायण नारायण, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पिंकी और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंकी। आप लोगों के साथ एक ऐसा पैक शेयर करने वाली हूँ जिसके यूज से आप अपनी स्किन की कोई भी एलर्जीज को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन कुछ का इलाज हम घर में भी कर सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि किन चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं इस पैक को बना रही हूँ जिससे हम अपने स्किन की कोई भी नॉर्मल एलर्जी या इन्फेक्शंस को दूर कर सकते हैं। और स्टार्ट करो इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक चम्मच हमें नीम पाउडर लेना है, आधा चम्मच तुलसी पाउडर, आधा चम्मच पुदीना पाउडर एंड चुटकी भर टर्मरिक पाउडर। इन सारी पाउडर्स को हमें रोज़ वाटर के साथ मिला के एक अच्छा पैक बनाना है। हल्दी पाउडर त्वचा में कोई भी एलर्जी होने के बाद जो दाग धब्बे बनते हैं उस दाग धब्बों को क्लीन करता है। तुलसी ई कॉली और बी इथोसिस जैसी बैक्टीरिया की वृद्धि को सीमित करके कई त्वचा इन्फेक्शन का इलाज करती है। पुदीना पाउडर का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है। पुदीना पाउडर में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो किसी भी एलर्जी इन्फेक्शन से हमारे स्किन को बचाते हैं। नीम की पत्तियाँ एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी एलर्जिक होती हैं। इसी कारण यह हर एलर्जी साथ ही उनसे होने वाले कोई भी दाग को वो क्लीन करता है। आज बदलते मौसम में हमारे त्वचा में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिस कारण फंगल इन्फेक्शन या किसी भी तरह का इन्फेक्शन का सामना हमारी स्किन को करना पड़ता है। इस पैक का इस्तेमाल मैंने अपने क्लाइंट के ऊपर किया है और 75% उनकी स्किन अच्छी हो चुकी है। आप भी डेली इस पैक का इस्तेमाल कीजिए और आपको इफ़ेक्ट एक बार ही इस्तेमाल करने में पता चल जाएगा। बहुत आसानी से आपको सामान मिल जाएगा आपके घर में और आपको कोई भी हेयर और स्किन से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, मुझे कमेंट करना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ज़रूर आपको हेल्प करूंगी और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लीज़ अपने मेरे चैनल को शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। नारायण नारायण।